हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। दिस इज नीरज चैन, यू माय चैनल। स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज फ्राइडे है, सैटरडे संडे नहीं है, वीकेंड नहीं है, तो आज ब्लॉग बन रहा है। कुछ स्पेशल है आज, तो इसकी वजह से आज ब्लॉग बना रहा हूँ गाइस। तो अभी नहीं बताऊंगा एकदम से, अभी प्रैक्टिस के लिए निकलूंगा। 4:30 हो चुका है, रेडी होना मेरे को, जल्दी से प्रैक्टिस के लिए निकलना। अंडर 14 अंडर 12 को प्रैक्टिस है अभी, तो जा रहा हूँ मैं। और कुछ और भी बताना आपको तो थोड़ी देर में बताता हूँ। अभी चेंज करके जल्दी से निकलना है मेरे को, इसलिए अभी नहीं बता सकता। तो मिलते हैं गाइस प्रैक्टिस पे। तो गाइस रेडी हो चुका हूँ मैं, और रेडी होकर निकल रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए। अंधेरा देख सकते हो आप, अभी अंधेरा ही है, तो बच्चे लोग काफ़ी मेहनत करते हैं, अंधेरे में ही प्रैक्टिस के लिए आते हैं। तो मिलते हैं गाइस ग्राउंड में। जैसे कि आप देख सकते हो कि अभी कुछ भी दिख नहीं रहा, बच्चे आने वाले हैं अभी थोड़ी देर में, तब तक मैं ड्रिल सेटअप कर देता हूँ। और देख सकते हैं गाइस बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रखा है अभी, तो बच्चे आ रहे हैं। तो गाइस दोनों क्लास की प्रैक्टिस फिनिश हो चुकी है, और अभी धूप भी आ चुकी है जैसे कि आपको दिख रहा होगा। तो अभी घर के लिए मूव कर रहा हूँ। नींद भी काफ़ी ज़्यादा आ रही है मेरे को, नींद पूरी नहीं हुई एक तरीके से इसके वजह से। तो अभी घर जा रहा हूँ गाइस, तो मिलते हैं, कुछ खाता हूँ, भूख लग रही बहुत ज़्यादा, तो घर जाके मिलते हैं गाइस। टाइम हो चुका 3, और मैं भूल गया था कि मैं ब्लॉग बना रहा हूँ आज, और मैं आपको बताना भी भूल गया कि आज स्पेशल है क्या। तो आज स्पेशल ये है कि आज मम्मी पापा की एनिवर्सरी है, और मम्मी पापा के एनिवर्सरी के लिए आज सेलिब्रेशन है। तो अभी आवाज़ ज़्यादा तेज़ नहीं बोल सकता क्योंकि ऊपर भी सुनाई दे देगा, तो उनको पता चल जाएगा वैसे। और अभी 3 बज चुके हैं, तो मैं 3:30 पर अभी जिम भी निकलूँगा, और क्योंकि रात के टाइम पर तो कर नहीं पाऊँगा मैं, बिज़ी हो जाऊँगा थोड़ा सा इसलिए। तो अभी मैं जिम भी जाऊंगा 3:30 पे, एंड चूँकि प्रैक्टिस भी है अंडर 10 की, और उसके बाद फिर गाइस अभी तो सेलिब्रेशन बचा हुआ है, तो लास्ट तक बने रहेंगे गाइस। रेडी हो चुका हूँ मैं, और अभी निकल रहा हूँ जिम के लिए। जल्दी से जिम जाऊंगा और जल्दी से वर्कआउट फिनिश करूंगा, बैक और बाइसेप्स मारूंगा, और उसके बाद फिर मेरा प्रैक्टिस भी है 5 बजे, तो जल्दी मेरे को फिनिश करना पड़ेगा सब कुछ। तो मिलते हैं गाइस जिम में डायरेक्ट। जिम पहुँच चुका हूँ मैं, और जैसे कि देख सकते हो कोई भी नहीं है, खाली है, तो जल्दी से वर्कआउट फिनिश करूँगा। और 4 बजने के लिए 15 मिनट अभी तो टाइम है मेरे पास। एक्सरसाइज फिनिश हो चुकी है, अभी मारूंगा बाइसेप्स, और बाइसेप्स के भी 5 एक्सरसाइज मारूंगा। टाइम हो चुका है 4:30, तो आधा घंटा है मेरे पास, आधा घंटे से भी कम, तो जल्दी से फिनिश करूंगा अपना बाइसेप्स।
बाइसेप्स भी हो चुके हैं, तो अभी घर जा रहा हूँ मैं, और अभी प्रैक्टिस भी लेना है, अंडर रन का प्रैक्टिस है, तो जल्दी से अभी चेंज वेंज नहाऊँगा और जल्दी से निकलूँगा, तो मिलते हैं गाइस घर पे सीधा। तो गाइस घर पहुँच चुका था मैं, और घर आके फिर मैं नहा के जस्ट प्रोटीन शेक पी के एंड चेंज किया मैंने, और अभी जस्ट निकल रहा हूँ। 5:15 हो चुके हैं जैसे कि आप देख सकते हो, 5:15, तो 5:30 तक मेरे को पहुँचना है वहाँ पे, तो 5:30 निकलूँगा 5:30 तक जल्दी से। अभी 15 मिनट है बट स्टिल ऐसा लग रहा है लेट हो रहा हूँ, तो बाइसेप भी बहुत पंप हो चुका है, तो अभी निकल रहा हूँ गाइस हबड़ा तबड़ी में, तो मिलते हैं गाइस सीधे ग्राउंड में। तो गाइस प्रैक्टिस फिनिश हो गई थी और मैं घर पे पहुंच चुका था, और घर पे आके मैंने चेंज कर लिया था, और अभी मैं निकल रहा हूँ केक और सारा सामान लेने के लिए डेकोरेशन के लिए। सॉरी मैम नहीं जा छोड़ सकते क्योंकि बाइक में दो ही बैठ सकते हैं। तो पहले राजा केक की दुकान तक हम लोग महसूस हो गया था, वही पहुँच चुके देख ले गाइस पत्नी के लिए बाइक हो, अभी तक मैं जा रहा था बाइक में, अभी मुझे बोल रहे हैं कि पैदल आ। अभी मैं निकल चुका हूँ ब्राइड को लेने के लिए, तो अभी देखना गाइस, तो ब्राइड को देख के आप भी हैरान हो जाएंगे, और सामान वामान सब कुछ लेके आ चुका हूँ, केक वेक सब कुछ, एंड मेहमान भी आ चुके, मतलब जो भी खास खास दोस्त लोग मम्मी के हैं एंड पापा के हैं वो सब। तो अभी मैं मम्मी को लेने के लिए जा रहा हूँ ब्यूटी पार्लर, तो अभी ब्राइड रेडी हो चुकी है और बुला दिया कॉल, तो अभी वहीं जा रहा हूँ गाइस। ब्राइड मेरे पीछे है, मैं आपको अभी नहीं दिखाऊंगा, जस्ट मेरे पीछे है और रेडी हो चुकी है ब्राइड हमारी, और बगल में भाभी है, आपको दिख सकते हैं, लाइट ऑन नहीं है इसकी वजह से दिख नहीं रही है। तो अभी हम घर के पास जस्ट पहुँचने वाले हैं, और मैं जैसे कि आप भाभी को देख सकते हो, जोक मस्त लगा मेरे को, तो अभी ब्राइड को नहीं देखना गाइस, थोड़ी देर में दिखाएंगे आपको, थोड़ी देर में गाइस, थोड़ी देर में, तो मिलता है गाइस थोड़ी देर में। Woo!
जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जीवन में लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जब से घूमे धरती सूरज चांद सितारे, जब से घूमे धरती सूरज चांद सितारे, तब से मेरी निगाहें समझे तेरे इशारे। तक पहुंच न पाए खुशियों की खुशबू से महके घर संसार हमारा, जन्म जन्म का साथ है। ऐसा लग रहा है कि गोरी है बट ये गोरी नहीं है, इसने अभी गोबर पोता है मुंह पे। यार साफ कर लीजिए। रिना जी सारा खा लिया। हां वो देखो साफ कर लिया। दिव्यांशी आपकी हेल्प किसने की इसमें खाने में? अच्छा अपने आप खाया पूरा। तो मम्मी कैसा फील हो रहा है आपको? बढ़िया। बस बढ़िया फील हुआ और कुछ? अच्छा। ये अच्छा आपका ऐसा लग रहा? ओ यार क्यों क्यों हुआ? और ये शक्ल में आप कैसे? अरे क्या कर दिया यार, क्यों ही किया ऐसा लग रहा है? कुछ स्पेशल फील नहीं हुआ मम्मी? नहीं हो पैसा बर्बाद करते हैं। तो मम्मी आज क्या है? क्या है मेरी शादी हुई थी आज आपकी शादी हुई थी। हाँ। किसके साथ? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। के साथ? तेरे पापा के साथ। तो इतना ज्यादा सज धज के क्यों तैयार हुए? ये बहुएं ने कर दिया मेरी। कौन सी बहुएं? ये मतलब दोनों ये गुस्से से लग रहा है आपको ऐसा कि जबरदस्ती करवाया है? जबरदस्ती करवाया है, है? आप तो ऐसा लग रहे हो 30 साल के लग रहे हो आप तो। 30 साल की तो है। अच्छा 30 साल की है क्या मम्मी? अच्छा 30 साल की मम्मी और उनसे बड़ा उनका बेटा। आप तो बूढ़े लग रहे हो। तो गाइज ये मम्मी है मेरी जो आज 30 साल की लग रही है, और ये मेरा भाई है जो 35 साल का लग रहा है। तो गाइज आज का ब्लॉग यहीं पे फिनिश करते हैं। सी यू, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट और हैव अ नाइस डे। और ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया।